नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं, ऐसा अब दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर जो बातें उत्पन्न हो रही हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया, नीतीश कुमार का नाम ना तो संयोजक में रखा और ना ही प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी नीतीश कुमार की तय की गई। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि नीतीश की असहजता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्या नीतीश कुमार वाकई में इंडिया गठबंधन से असहज हो चुके हैं? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अपना निष्ठा और नाता तोड़ सकते हैं? इन तमाम चर्चाओं के बीच में ललन सिंह का नाम इसलिए चर्चा में हो रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि ललन सिंह की वजह से हमने एनडीए का रास्ता जो है वो मोड़ दिया, एनडीए के साथ आगे जाने का रास्ता तोड़ दिया है, जिस वजह से ललन सिंह रडार पर है। बिहार की राजनीति में ललन सिंह को लेकर कई बातें उत्पन्न हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि ललन सिंह जल्द ही लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, नीतीश कुमार को धोखा दे रहे हैं। नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा है कि ललन सिंह को लेकर क्या फैसला करें। इन तमाम चर्चाओं के बीच में ये भी एक चर्चा खूब उठ रही है कि ललन सिंह की कुर्सी जल्द ही छीनी जा सकती है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार अपने हाथों में लेंगे या फिर किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को देंगे। क्योंकि जब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, तब तक जदयू में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 29 तारीख से बैठक से पहले कई तरह की चर्चाओं के बाजार गर्म है। हालांकि क्या कुछ फैसला नीतीश कुमार करेंगे अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी से जिस तरीके से बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदल रही है, ऐसे में ये बात अब मानिए कि ललन सिंह की कुर्सी वाकई में संकट में पड़ गई। देखिए, ललन सिंह को लेकर बड़ा खुलासा भारतीय जनता पार्टी के प्रभाकर मिश्रा जो प्रवक्ता हैं वो कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, बिहार में आज रोज औसतन 8 हत्याएं हो रही हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज की हुई रोज औसतन 5 लूट की खबरें हैं और 3 अपहरण रोज हो रहे हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। यह तो है बिहार आज के दिन का। पिछले साल 10 अगस्त 2022 को जब बिहार में पता नहीं किस मजबूरी के तहत नीतीश कुमार जी ने लालू के लाल को अपनी सरकार में शामिल किया, जिस वक्त लालू और लांटेन सरकार में आ गए उसी वक्त से बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो गई। लालू और लालू के परिवार के सरकार में आने का मतलब है माफियाओं का राज हो जाना। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, हत्या माफिया, लूट माफिया, यही आज की सरकार का सत्य है। और नीतीश कुमार जी इस गलती के लिए कहीं ना कहीं आप तो जिम्मेदार हैं ही हैं। आदरणीय ललन सिंह जी, जल्द ही आप अप्रासंगिक होने वाले हैं, क्योंकि आपकी लालू प्रसाद जी के साथ नजदीकी जग जाहिर हो चुकी है। जहां आपसे लालू प्रसाद जी को उम्मीदें हैं, वहीं आप अपना भविष्य लालू जी के चरणों में देख रहे हैं। आप लोकतंत्र की चिंता नहीं कीजिए, संसद में जो घटना घटित हुई है उसकी जांच तेज रफ्तार से चल रही है। बड़ा रट रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर की। आप सदन के पुराने सदस्य हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस मंदिर के पुजारी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, सारा मामला वे देख रहे हैं। जांच का जो फलाफल आएगा उसको माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सदन को अवगत करा देंगे, तब ये हो सकता है कि घटना के सूत्रधार का नाम आने पर आपकी बोलती ही बंद हो जाए। परंतु जिस तरह से संसद के अंदर और बाहर माननीय सभापति जी का मजाक उड़ाया गया, उस पर भी तो बोलिए, आपकी बोलती क्यों बंद है? अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।